हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे यूज सिंपलेक्स मेथड टू सॉल्व लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। आज का जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमाइजेशन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सीखेंगे वो मिनिमाइजेशन पर होगा। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आप कहीं से भी स्किप करेंगे तो आपको पूरी वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो प्लीज़ प्लीज़ बिना स्किप किए इस वीडियो को ज़रूर देखना। तो सबसे पहले ये जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ वो सेक्शन सी पार्ट में पूछा जाता है और गारंटेड आपको आएगा ही आएगा। और ये क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो 2013 में कुमाऊँ यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या कहती है, मैक्सिमाइज हमें निकालना है किसका, 4x1 प्लस 10x2 का। और जो हमें सब्जेक्ट रिस्ट्रिक्शन कंस्ट्रक्ट दे रखे वो है 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल 50। ये तीन रिस्ट्रिक्शन हमें दे रखे हैं, ठीक है। तो चलिए अब सॉल्यूशन पे आते हैं बिना वेस्ट किए टाइम को। तो सबसे पहले जो स्टेप वन में देखना है होता है हमें क्या देखना होता है कि हमारे जो LPP है वो मिनिमम है या मैक्सिमम है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन मैक्सिमम है, अगर मिनिमम होता है तो उसको पहले मैक्सिमम में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मैक्सिमम में है कि नहीं वो चेक करना है। तो क्वेश्चन हमारा मैक्सिमम में है, ओके, ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो पूरा हुआ है। देन हमें ये देखना है कि जो कंस्टेंट्स हैं वो सारे के सारे सेम साइन में हैं कि नहीं है। तो देखिए ये सारे सेम साइन में हैं, अगर सेम साइन में नहीं है तो हमें उसे बनाना पड़ता है और वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। ये इस वीडियो में उसकी ज़रूरत है नहीं, बिकॉज ये सारे सेम साइन के। और देखो ये क्या है, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल। जब भी लेस देन इक्वल होता है तो हमें एक वेरिएबल यूज़ करना होता है। कितने इक्वेशन है यहाँ पर, 1, 2, 3, यानी कि हमें 3 नए वेरिएबल चाहिए और उन 3 नए वेरिएबल की मदद से हमें यहाँ पर आइडेंटिटी वेक्टर बनता है, उसी की मदद से LPP बनती है, ठीक है। तो सिंस ऑल बाइज आर पॉजिटिव, और बाइज जो जितने भी हैं यहाँ पर हमारे बाइज 50, 100, 90, ये पॉजिटिव के होने चाहिए। अगर नेगेटिव के हैं तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 22 हमारे पॉजिटिव होना ज़रूरी है, तो वो भी पूरी है। स्टेप थर्ड में देखिए, सारे साइन इस साइन के हैं। तो जब सारे साइन इस साइन के हैं तो हमें एक नया वेरिएबल यूज़ करना होता है जिसे हम बोलते हैं स्लैक वेरिएबल, ठीक है। और उन स्लैक वेरिएबल की मदद से हमें बनानी होती है आइडेंटिटी वैक्टर। और हमें यहाँ पर कितने स्लैक वेरिएबल यूज़ करने पड़ेंगे, 3, बिकॉज इक्वेशन कितनी है, 1, 2, 3। तो 3 स्लैक वेरिएबल यूज़ जब हम करेंगे तो हमारा ये जो मैक्सिमाइजेशन है वो भी चेंज होगा और ये भी चेंज होगा, और इन इक्वालिटीज से हमें इसे इक्वालिटीज में बनाना पड़ेगा। देखिए कैसे, तो देखिए हमारे पास ये इक्वेशन थी, है ना, ये 3 इक्वेशन थे। अब ये 2x1 प्लस x2 पहला इक्वेशन, तो मैं यहाँ इसमें यूज़ होगा x3 वेरिएबल पहला, x4 x5 दूसरे वाले में x4 होगा और तीसरे वाले में x5 होगा। लेकिन पहले वाले में x3 यूज़ हुआ है, यानी कि x का 0x4 है और 0x5 होगा। इसी प्रकार से 2x1 प्लस 5x2, तो ये 0x3, क्योंकि इसमें x4 यूज़ होना है। तो x3 और x4 को क्या, अगर x5 को 0, 0 हो जाएगा। और तीसरा इक्वेशन आपका क्या होगा, 2x1 प्लस 3x2, इधर भी 0 और ये भी 0, इसके इसमें यूज़ करना था हमें x5। तो ज़रा यहाँ से देखिए, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ये क्या बन गया, आइडेंटिटी। मैंने बोला था हमें आइडेंटिटी वेक्टर नहीं बनेगा तो हम LPP नहीं बना सकते, तो वो भी हमें ध्यान रखना है, बन रहा है यहाँ पर आइडेंटिटी। तो हमारा Z क्या था, Z हमारा 4x1 प्लस 10x2 था, और हमारे पास कितने नए सरप्लस से हमने यूज़ किए हैं स्लैक वेरिएबल, 3, कौन कौन से, x3, x4, x5, यानी कि 0x3, 0x4 और 0x5 हमें ऐड कर देना है इसमें। तो आपका Z कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और ये जो 4 है आपका C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है और ये C5 है, ओके, यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया है। अब सिंस द कोफिशिएंट ऑफ x3 x4 x5 आर यूनिट वेक्टर, हमने अभी बना देखा था कि वो यूनिट वेक्टर फॉर्म कर रहे हैं। तो अब हम इस हालात में कि हम अभी अपना फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बनाएंगे फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल, ये हमारा फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल है, मैंने भर भी दिया है, आपको मैं बता दूंगा कैसे क्या करना है। सबसे पहले लिखना है आपको यहाँ पर CB YB XB, इस टेबल को आप लर्न कर लेना कि कौन सा टर्म पहले आता है, कौन सा उसके बाद आता है। फिर यहाँ पर आता है C1 C2 C3 C4 C5, बिकॉज हमारे पास C5 तक ही है,
और फिर यहाँ पर आता है मिनिमम रेशियो। और मिनिमम रेशियो क्या होता है, एक्स पी अपॉन वाई टू आया है, वो क्यों आया है अभी आपको पता चल जाएगा कैसे कि यहाँ पर मैंने वाई टू क्यों लिखा है। और देखिए यहाँ पर मैंने सी थ्री से स्टार्ट किया है बिकॉज हमारा जो क्वेश्चन था वो एक्स टू में था, एक्स टू तक था, और हमने नए वेरिएबल कितने यूज़ किए हैं, तीन, एक्स थ्री, एक्स फोर और एक्स फाइव, तो वही यहाँ पर आया है सी थ्री सी फोर सी फाइव, जो कि हमारे पास सी थ्री सी फोर सी फाइव क्या थे, ज़ीरो, मैंने पीछे मेंशन किया था। और उसी प्रकार से यहाँ आ जाएगा वाई थ्री वाई फोर वाई फाइव, और यहाँ आ जाएगा एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव। यहाँ आपके आते हैं बाईस, बाईस का मतलब जो यहाँ पर पचास सौ नब्बे है ना, वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और इक्वेशन के जो कोफिशियंट है, जैसे मैं आपको बता दूं, तो देखिए यहाँ पर टू आएगा, जो हमारा यहाँ पर इक्वेशन था टू, फिर वहाँ वन फिर ज़ीरो ज़ीरो, ये आ गया टू वन ज़ीरो ज़ीरो। फिर सेकेंड इक्वेशन के कोफिशियंट आएंगे टू फाइव ज़ीरो वन ज़ीरो टू फाइव ज़ीरो वन ज़ीरो, ऐसे थर्ड इक्वेशन की भी लिख दी है, ओके। क्योंकि मैंने सॉल्यूशन करके रखे, मैंने बस कुछ समझाना है, अगर मैं इस वीडियो को खुद सॉल्व करके करता तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बनती। मेरा टारगेट है सॉल्यूशन तो आप खुद कर सकते हैं, आपको बस समझने से मतलब है। तो ये हमने क्या सारे वैल्यूज रख दिए, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट की ये कोफिशिएंट है, इक्वेशन टू की ये कोफिशिएंट है, और इक्वेशन थर्ड की ये कोफिशिएंट है, ओके, हमने यहाँ रख दिया है। अब अभी देखिए मैक्सिमम निकालने का जो फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम जेड, वो होता है सी बी एक्स बी, और सी बी सिग्मा में लेना होता है, ज़ीरो इंटू थर्टी, देखिए ज़ीरो इंटू यहाँ पर सी बी इंटू एक्स बी, ज़ीरो इंटू फिफ्टी प्लस ज़ीरो इंटू हंड्रेड प्लस ज़ीरो इंटू नाइन्टी, तो ज़ीरो किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, ज़ीरो। अब हमें निकालना होता है डेल जे वन, यानी कि ये डेल जे वन है, ये डेल जे टू है, ये कैसे आया है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए डेल जे निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी जे माइनस सिग्मा सी बी वाई जे। तो देखिए अगर हम डेल जे वन निकालना है तो यानी कि यहाँ सी वन आएगा, और सी वन हमारे पास कितना है, फोर, फोर इसकी मल्टीप्लाई करनी है, माइनस ज़ीरो इंटू टू प्लस ज़ीरो इंटू टू प्लस ज़ीरो इंटू टू सी वन की केस में। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ये मैंने सॉल्व कर लिया है, तो क्या जाएगा, फोर, वो मैंने यहाँ रख दिया है। अब आपको जे टू कैलकुलेट करना है, जे टू यानी कि टेन, टेन माइनस ज़ीरो इंटू वन प्लस ज़ीरो इंटू फाइव माइनस ज़ीरो इंटू थ्री, तो सॉल्व करेंगे तो आपको क्या जाएगा, टेन, ये देखिए टेन आ गया। और जे थ्री जे फोर और जे फाइव ज़ीरो होंगे, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ एक, बिना कैलकुलेशन के आप कर सकते हैं। जब भी आपका यहाँ पर आइडेंटिटी हो, जो थ्री नए यूनिट बने हैं ना, बिकॉज इधर भी ज़ीरो ज़ीरो हैं और यहाँ पर यूनिट बना है, तो ये हमेशा ज़ीरो ही आएंगे, आप कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं। और यहाँ पर सी थ्री सी फोर भी ज़ीरो हैं, ठीक है, तो आपके जो सी थ्री सी फोर सी फाइव होंगे उसके करस्पॉन्डिंग जो आपका डेल जे थ्री डेल जे फोर और डेल जे फाइव होगा वो ज़ीरो ज़ीरो होते हैं। अब इनकमिंग वेक्टर 10 क्यों है, क्योंकि ये मैक्सिमम वेक्टर है, इनकमिंग वेक्टर है क्योंकि इसमें मैक्सिमम वैल्यू ज़ीरो है। हमारा जो टारगेट होता है कि जो डेल जे होते हैं, या तो सबके सब ज़ीरो मिल जाए, या नेगेटिव मिले, या फिर ज़ीरो दोनों मिले, लेकिन पॉजिटिव का नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये तो तीन ज़ीरो हैं, लेकिन ये दो पॉजिटिव के बचे हुए हैं। अब बचे हुए हैं तो हमें नया सिंप्लेक्स टेबल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें चाहिए होता है इनकमिंग वेक्टर। इनकमिंग वेक्टर में कैसे देखते हैं, जो सबसे बड़ी वैल्यूज होती हैं इनमें, यहाँ से इनकमिंग वेक्टर जाएगा, और ठीक है। और हमें अब इनकमिंग वेक्टर मिल गया है किसके करस्पॉन्डिंग, वाई टू के करस्पॉन्डिंग, ये देखिए यहाँ से जाएगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ वाई टू लिख दिया था। अब आपको के एलिमेंट बनाना होता है, उसके लिए आपको चाहिए होता है मिनिमम रेशियो, और मिनिमम रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा एक्स पी अपॉन वाई टू। देखिए एक्स पी कितना है, 50, और वाई टू, वाई टू का पहला एलिमेंट वाई वन, तो 50 अपॉन वन 50, फिर क्या हो जाएगा, पाँच, सॉरी यहाँ से देखिए 100 अपॉन फाइव कर देंगे, ये 100 है और ये 5 कर देंगे तो 20 आ जाएगा, और फिर 90 अपॉन 3 कर देंगे तो 30 आ जाएगा। तो सब मिनिमम रेशियो कौन आ गया, 20, और मिनिमम रेशियो माइनस में आते तो उसे इंक्लूड नहीं करते, ये भी आपको नोट करके बता देता हूँ, ठीक है। तो मिनिमम रेशियो क्या आया, देखिए ये यहाँ से गया, ये कट किया और यहाँ से आ गया, दोनों किस पे जाके कट कर रहे हैं, 5 पे, और ये इधर जाके कहाँ जा रहा है, सी फोर पे, और इधर जाके कहाँ जा रहा है, वाई टू पे। यानी कि जो नया सिंप्लेक्स टेबल बनेगा उसमें सी फोर को रिप्लेस कौन करेगा, सी टू,
कि वी वाई टू की ओर जा रहा है और वाई के ऊपर क्या है, सी टू है, यानी कि सी फोर को कौन रिप्लेस करेगा, सी टू रिप्लेस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट सिंपल स्टेप है, और ये क्या हमारा, ये हमारा की एलिमेंट। तो नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल आप जब बनाएंगे तो सबसे पहला टारगेट ये होता है कि की एलिमेंट को वन बनाना होता है, की एलिमेंट को वन बनाना होता है, और की एलिमेंट के ऊपर को बनाना होता है ज़ीरो और नीचे भी बनाना होता है ज़ीरो, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अभी मैं करके दिखा रहा हूँ। तो आप कॉपी में क्या लिखेंगे एग्जाम में, ऑल डेल्टा आर नॉट नेगेटिव आर ज़ीरो, सो ऑप्टिमल सॉल्यूशन डज नॉट रीच आउट, ठीक है। तो सो नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल क्या होगा, तो उसी प्रकार से अब हमें टेबल दोबारा बनानी है, जो कि मैंने बना ली है, फिल नहीं किया है, मैं फिल करके बताऊंगा इस टेबल को। देखिए तो मैंने क्या किया, मैंने बोला था कि इसे यहाँ पर फाइव था ना, यहाँ पर फाइव था, वन बनाना है, और वन बनाने के लिए क्या कर दिया मैंने, सबको फाइव से डिवाइड कर दिया टोटल। और यहाँ पर देखिए मैंने बोला सी फोर को कौन रिप्लेस करेगा, सी टू, तो यहाँ सी थ्री है, यहाँ सी फाइव है, लेकिन सी फोर के प्लेस पर क्या आ गया है, सी टू, और सी टू हमारे पास कितना है, टेन, वो हमने यहाँ रख दिया। सी टू है यहाँ तो वाई टू आएगा, और वाई टू है यहाँ तो एक्स टू आएगा, बाकी दो सेम रहेंगे। अब यहाँ फाइव था तो इसे वन बनाया है, और हमारा टारगेट ये है कि इसे ऊपर इधर भी ज़ीरो चाहिए, और मुझे यहाँ पर भी ज़ीरो लाना है मुझे, और यहाँ पर भी ज़ीरो लाना है, क्योंकि इसे बनाना होता है आइडेंटिटी, ठीक है। अब ये चीज़ आपकी हो गई है, अब क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने कैलकुलेट भी कर रखा है, बता दूँगा कैसे करना है। देखिए आपको क्या करना है, ये जो नीचे एलिमेंट दे रखे हैं, जैसे ये 20x, यहाँ से कैलकुलेट करना होता है, 20 से 22, 5, ये सारे एलिमेंट आप लिख दीजिए, ये मैंने नीचे लिख दिया है। और पिछले प्रीवियस टेबल में, प्रीवियस सिंप्लेक्स टेबल में, जो फर्स्ट रो पे जितने भी एलिमेंट थे एक्स बी से स्टार्ट जो थे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए 50 से स्टार्ट है ना, ये आप ऊपर ऐसे ही लिख लीजिए। अब आपको देखिए यहाँ आपका ये की एलिमेंट है वन, इसके नीचे आपको ज़ीरो चाहिए, और जब आपने रखा यहाँ वन आ रहा है, तो वन में से हम क्या करें कि यहाँ ज़ीरो आ जाए, ऑब्वियसली माइनस करेंगे तभी ज़ीरो आएगा, तो इसमें से ये वाला सब चीज़ें क्या कर देंगे माइनस, तो यहाँ 30 8/5 0 1 -1/5 0 आ जाएगा, तो इसे अभी हम यहाँ पर भर लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा आपका एक्स पी आ जाएगा 30, फिर आएगा आपका 8/5, फिर आएगा आपका 0, फिर आएगा आपका 1, फिर आएगा आपका माइनस के 1/5, और फिर आएगा आपका 0, ठीक है, ये हमने भर दिया। नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल में वही काम करना है, तो फिर से क्या करेंगे, दोबारा ये जो भी आपका है फिर से आप नीचे लिख लेंगे, और तीसरे प्रीवियस सिंप्लेक्स टेबल में यहाँ पर जो तीसरे रो में जितने भी एलिमेंट थे वो आप लिख लेंगे ऐसे, ये देखिए मैंने यहाँ लिख लिया, ये नीचे लिखा, और प्रीवियस रो में जो प्रीवियस सिंप्लेक्स टेबल में जो तीसरे में था वो मैंने यहाँ लिख लिया है, लेकिन मुझे यहाँ ज़ीरो चाहिए था, और यहाँ वन है, यहाँ थ्री है, तो ज़ीरो कैसे आएगा, जब इसमें मैं तीन से मल्टीप्लाई करूँगा पूरे में, और यहाँ तीन होगा, और यहाँ तीन होगा, तीन से मैं तीन माइनस करूँगा तभी ज़ीरो आएगा, तो मैंने क्या किया है, इसमें से मैंने तीन से मल्टीप्लाई कर दिया है, ये देखिए तीन से मल्टीप्लाई कर दिया है और ऊपर हुई है, और फिर मैंने क्या कर दिया माइनस सब्ट्रैक्टिंग, तो ये क्या आ गया 30 4/5 0 0 -3/5 1, तो मैं यहाँ पर फिल कर दूँगा, तो हमारा क्या आ रहा है, हमारा जो आ रहा है एक्स फाइव वो आ रहा है 30, फिर आ रहा है 4/5, फिर आ रहा है 0 जो कि हमें चाहिए, फिर आ रहा है 0, फिर -3/5, और फिर आ रहा है 1, ठीक है, तो ये आ गया। अब हमें क्या करना होता है, मैक्सिमम जेड यहाँ पर कैलकुलेट करना होता है, वो होता है सिग्मा सी बी इंटू एक्स पी, देखिए सी बी एक्स पी 0 × 30 प्लस 10 × 20 प्लस 0 × 30, ये कैलकुलेट कर लिए, यहाँ पर आ गया 200, ओके। अब आप सारा का सारा चीज़ डिपेंड करता है डेल जे, उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना होता है डेल जे, और डेल जे मैंने अभी कैलकुलेट करना आपको सिखाया भी था, तो अगर आप भूल गए हैं, कैलकुलेशन मैंने सारा कर रखा है, उसे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने सारा कैलकुलेशन करना है, आप ज़रा स्क्रीन शॉट लेंगे देख सकते हैं सिंप्लेक्स टेबल में, ये डेल जे वन मैंने कैलकुलेट किया, डेल जे टू, डेल जे थ्री, डेल जे फोर, डेल जे फाइव, ये सारे मैंने कैलकुलेट कर लिए हैं, ओके। और फिर मैंने वैल्यूज पुट कर दिए हैं, ये डेल जे वन की वैल्यू, डेल जे टू, डेल जे थ्री, डेल जे फोर, डेल जे फाइव, ठीक है, आप ये आ गया होगा। उसके बाद हम, हमारा टारगेट क्या होता है,
कि डेल्टा चेक करना होता है। अब देखिए डेल्टा सारे या तो जीरो हैं या नेगेटिव है, लेकिन कोई पॉजिटिव का नहीं है। अगर कोई पॉजिटिव का आता तो फिर से हमें इनकमिंग वेक्टर चाहिए होता, फिर से मिनिमम रेशियो निकालते, लेकिन अब की इस बार मिनिमम रेशियो नहीं होगा क्योंकि हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन हमें मिल चुका है। जो हमारा टारगेट होता है कि डेल्टा हमारा जीरो ही मिले या फिर नेगेटिव मिले, वो हमें मिल चुका है। तो हम क्या बोल देंगे, हेंस ऑप्टिमल सोल्यूशन इज रीच्ड आउट, ऑप्टिमल सोल्यूशन हमें मिल चुका है। तो देखिए फिर आप क्या लिखेंगे लास्ट में, सिंस ऑल डेल्टास आर नेगेटिव और जीरो, सो ऑप्टिमल सोल्यूशन इज रीच्ड आउट। तो हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या मिला, जेड इज इक्वल्स टू 200 मिला था, लेकिन हमारे जो रिस्ट्रिक्शन थे वहाँ पर x1 और x2 ही थे, ठीक है। तो हमारा जो हमारा सिंप्लेक्स टेबल है ना, फाइनल सिंप्लेक्स टेबल जो हमें मिला है उस पर देखिए, हमें चाहिए सिर्फ x1 और x2, ठीक है। तो देखिए इसमें x3 है, x2 है, x5 है, x1 तो नहीं है, यानी x1 नहीं है तो 0 है। हमें सिर्फ x1 और x2 चाहिए था, x3 x5 नहीं चाहिए। कंस्ट्रक्शन में सिर्फ x1 और x2 है, तो हमारा आंसर आएगा x2 इज इक्वल्स टू 20 और x1 इज इक्वल्स टू नहीं है तो वो 0 है। तो x1 आपका 0 आ जाएगा और x2 आपका क्या जाएगा, 20, और आपका आंसर आ जाएगा इस पर मैक्सिमम क्या देगा, 200। आई होप ये मेथड आपको समझ में आया होगा। अगर बाय द वे किसी भी पॉइंट पे अगर आपको डाउट्स होता हो, नहीं आता हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताएं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी मुझे बताएं। और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, और मुझे आपका सपोर्ट। वीडियो देखने का धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।